अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रेबर एकेडमी में आपका इस्तकबाल है। चलिए देखते हैं हमारा जो सबक चल रहा है बरकी रॉ के असरात, उसमें हमने सारे टॉपिक कवर कर लिया है। बस ये लास्ट टॉपिक बचा है एक बरका मकनतीसी हमाला यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एक टॉपिक बचा है बरकी एसी जनरेटर। ठीक है, तो अब ये दोनों यहाँ पर मैं इसमें बताऊंगा, क्योंकि एसी जनरेटर में इसी उसूल का इस्तेमाल होता है बरकी मकनतीसी हमाले का। अब अगर कोई बच्चा नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करे और दूसरे बच्चों में शेयर करे। चलिए हम देखते हैं बरकी मकनतीसी हमाला एक्चुअल में है क्या। शक्ल के मुताबिक अज्जा तरतीब दीजिए, गैल्वेनोमीटर जोड़कर दौर मुकम्मल कीजिए। अब गैल्वेनोमीटर जो है ये आपके सिलेबस से जो है कट हो गया है। अब इसमें क्या है, तो गैल्वेनोमीटर आपको पहले समझ लेना चाहिए। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर एक आला है जो बरकी रॉ की पैमाइश को नापता है, उसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। जैसे एम मीटर वोल्ट मीटर होता है, उसी उसूल पे ये भी काम करता है गैल्वेनोमीटर। बस इतना फर्क है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो छोटी से छोटी जो है बरकी रॉ की पैमाइश, कम से कम बरकी रॉ की पैमाइश जो है वो नाप सकते हैं, पैमाइश कर सकता है। तांबे के तार के करीब, तो शक्ल जैसे उसने कहा है, शक्ल देख लेते हैं हम। देखिए इस तरह की शक्लों को सेटअप दीजिए जिसमें एक तांबे का तार जो है वो, तांबे के तार को एक दो स्टैंड से बांध दीजिए, और तार के करीब नीचे मकनतीसी सलाख का शुमाली या जुनूबी कुतुब होगा। अब ऊपर शुमाली जुनूबी कुतुब होगा, इस तरह मकनतीसी सलाख खड़े रखिए। ठीक है, अगर तार ए से बी इस सिमत में हिलता हुआ नजर आए, अब ये जो तार है ना वो इस सिमत में अगर हिलता हुआ नजर आता है, ऐसे ए से बी की जानिब इस तरह हिल रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में इशारिया हरकत करता दिखाई देता है। ये जो इशारिया है ना, जिसको हम सुई बोलते हैं, ये निडल, तो ये जो है डिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर, ये हलता हुआ नजर आता है। अब मैंने पहले कहा था गैल्वेनोमीटर किस काम का है, ये बरकी रॉ की पैमाइश को नापता है। तो यहां पर जो बरकी रॉ की पैमाइश नाप रहा है, तो इससे ये साबित हुआ कि अगर हम किसी मकनातीसी मैदान में, आप देखिए यहां पर जो है ये मकनातीसी मैदान इस तरह पैदा हो रहा है, यहां पर पहले से मकनातीसी मैदान है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई मकनातीस किसी जगह रहता है, रख दिया जाता है, तो उसमें मकनातीसी मैदान ऑलरेडी रहता है। ये मकनातीसी मैदान यहां पर पैदा है। अब मकनातीसी मैदान में अगर किसी तांबे के तार को या किसी मवसिल को अगर हम हरकत दे, तो ये जो है ये हरकत की वजह से, क्योंकि ये मकनातीसी मैदान है, हम तार को हरकत दे रहे हैं, तो यहां से हमको गैल्वेनोमीटर में ये सुई हरकत करती हुई नजर आएंगी। तो ये क्या जाहिर कर रही है कि यहां पर बरकी रॉ जो है वो बह रही है, बरकी रॉ पैदा हो रही है, ये यहां पर जाहिर होता है। ठीक है, तो ये जो तजुर्बा है ये निकाला था माइकल फैराडे ने, इसीलिए इसको कहते हैं फैराडे के बरकी मकनातीसी अमाला, इसी को कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। ये ऐसा है कि अगर किसी मकनातीसी मैदान में अगर हम किसी तार को हिलाएं या तार को हरकत दे, तांबे के तार को या मवसिल को, तो वहां पर जो है बरकी रॉ जो जनरेट होंगी, इंड्यूस होंगी, पैदा होगी। ये माइकल फैराडे ने तजुर्बा करके देखा था। अब अगर यहां पर मकनातीस एक ही जगह जो है फिक्स है, ये हिल नहीं रहा है, ये हरकत नहीं कर रहा है, लेकिन अगर क्या मैं तार को एक जगह फिक्स कर दू और मकनातीस को हरकत दू, तो क्या तब भी बरकी रॉ पैदा होगी? तो ये भी तजुर्बा जो है माइकल फैराडे ने किया था, और ये तजुर्बे साहब आप कामयाब हुए हैं। चाहे हम तार को हरकत दे, मौसिल को हरकत दे, या हम जो है मकनातीस को हरकत दे, दोनों सूरत में वहां पर जो है बरकी रॉ जो है वो इंड्यूस होगी, पैदा होगी। ठीक है, तो आप देखिए ये तजुर्बा भी करके देखते हैं कि देखिए यहां पर जो है, अब आप देखिए यहां पर ये मकनातीसी मैदान इसमें पैदा हो रहा है मकनातीस में, और ये जो है जब ये सेलोनाइट की कॉइल है, मतलब जितनी ज्यादा आप कॉइल में टर्न करोगे उतनी ही ज्यादा ये जो है, आपको मालूम है कि मैंने इससे पहले बताया था कि जितनी ज्यादा उसमें जो है लूप होगा वो उतनी ज्यादा जो है बरकी रॉ वहां मकनातीसी मैदान जो है वो यहां पर पैदा होगा। तो अब ये सेलोनाइट की एक कॉइल है, इसमें अगर मकनातीस को देखिए अगर हरकत देते हैं इसमें, तो यहां पर देखिए ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताता है, जब अंदर जाता है तब भी यहाँ लाइट जलती है, और जब बाहर आता है तो भी ये यहाँ लाइट जलती है। मतलब किसी भी सूरत में अगर मकनातीस को हम हरकत देते हैं किसी कॉइल के पास, तो वहां पर बरकी रॉ पैदा होगी।
ये माइकल फैराडे ने निकाला था और इसी को कहते हैं बरकी मकनतीसी अमाला, और इसी बुनियाद पर जनरेटर जो है वो काम करता है। क्योंकि आपको पता है जनरेटर कब लगता है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, जब मतलब पावर जाती है, घर में बिजली नहीं होती है, तभी हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी उसूल पर वो जनरेटर काम करता है, तो उसमें मैग्नेट लगा हुआ रहता है और कॉइल घूमती है, तो घूमने से वहां पर बरकी मकनातीसी मैदान पैदा होता है। जैसे यहां पर ये तांबे का तार हिलता था तो मैदान या ये जो है यहां पर बरकी राव पैदा हुई, इसी तरह यहां पर जब जो कॉइल है वो घूमता है मकनातीसी मैदान में, यानी हरकत करता है, तो वहां पर बरकी राव पैदा होती है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बरकी मकनातीसी अमाला। आगे देखते हैं, और अब और जो यहां पर काम आएगा वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून। अभी हमने देखे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून, तो दाएं हाथ के कानून और बाएं हाथ के कानून में फर्क क्या है वो हम यहां देखते हैं। बरकी मौसिल में, यानी हल्के में, जो बरकी मौसिल अभी हमने देखे, अमाला बरकी रॉस ज्यादा से ज्यादा कब होगी, जब बरकी मौसिल की हरकत की सीम, तो मकनातीस के मैदान की सीम, तो उमूदन होगी। ज्यादा से ज्यादा जब बरकी अमाला बरकी राव जब ज्यादा कब होगी, जब मौसिल की हरकत की सीमत तो मकनातीसी मैदान के उमूदन सीमत तो होगी। यानी अगर वो उमूदन सीमत तो में हरकत कर रहा है, फर्ज कीजिए ये यहां पर मौसिल है एक, ठीक है, और ये यहां पर मकनातीस रखा हुआ है, ये घोड़े के नाल लुमा मकनातीस ले रहा हूं मैं, और यहां पर ये बरकी मकनातीसी मैदान पैदा हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरह हरकत दूंगा तो सबसे ज्यादा, मतलब इस तरह हरकत दूंगा तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है बरकी राव अमाला या बरकी अमाला पैदा होगा, उमूदन रहेगा। तो इसी बेस पे, जैसे हमने बरकी मोटर हमने यहां पर पढ़े थे, उसी बेस पर ये जो है यहां पर जो है वो काम करता है। तो अब देखेंगे यहां पर क्या है कि बरकी मैदान सिम उमदन होगी, तब्दील शुदा बरकी राव की सिमत बताने के लिए, यानी जो बरकी राव तब्दील हो रही है उसको बताने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून का इस्तेमाल होता है। दाएं हाथ का अंगूठा पहली और दरमियानी उंगलियों को इस तरह फैलाए जैसे हमने बाएं हाथ में फैलाए थे, वो एक दूसरे पर उमूदी सिमत में हो जाए। तो चलिए फिगर देखते हैं हम इसकी। देखिए अब ये दाएं हाथ है, अब उसमें और इसमें फर्क यह था कि उसमें जो अंगूठा था वो कुव्वत को जाहिर कर रहा था, मतलब वहां पर कुव्वत लग रही थी अंगूठे से, अंगूठे जो सिमत अंगूठे की, यानी कुव्वत की सिमत। अब यहां पर देखिए ये जो है बरकी राव की रफ्तार की सिमत को जाहिर कर रहा है, ये फर्क है दाएं हाथ में और बाएं हाथ में। बाकी ये जो उंगली मकनातीसी मैदान जाहिर कर रही है और ये मौसिल में होने वाली बरकी राव की सिमत में को जाहिर कर रही है। अब ये तीनों यहां पर एक दूसरे पर उमूदन है, जैसे बाएं हाथ के कानून में था उसी तरह दाएं हाथ के कानून में है, एक दूसरे की उमूदी सीमतों में हो। ऐसी हालत में अगर अंगूठा मौसिल के बरकी भाव की सीमत और पहली उंगली मकनातीसी मैदान की सीमत जाहिर करे, तब दरमियानी उंगली अमाला बरकी राव की सीमत को जाहिर करती है ना। देखिए दो चीज है, अंगूठा जो है बरकी भाव की सीमत को जाहिर करता है, और ये जो अंगूठा है ये बरकी राव अमाला बरकी राव की सीमत को जाहिर करती है, ठीक है, ये याद रखिए। यानी वहां पर रफ्तार होगी इसकी, बरकी राव की रफ्तार होगी, कौन सी, ये अंगूठे के जो भाव की सीमत बता रहा है, और यहां पर जो हो वो इंड्यूस्ड करंट जो हुई, जो पैदा जो करंट हुई, जो पैदा जो बरकी राव हुई, उसको यहां पर ये दरमियानी उंगली जाहिर करेंगी। इस कानून को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून कहते हैं। तो ये कानून अगर पूछा जाता है कि आप शक्ल दे दी जाएंगे आपको एग्जाम में और पूछेगा इस कानून को बयान कीजिए, तो आपको लिखना है कि अंगूठा मौसिल के बरकी भाव की सिमत पहली उंगली मकनातीसी मैदान की सिमत जाहिर करे, तब दरमियानी उंगली बरकी अमाला बरकी राव की सिमत जाहिर करती है। इस कानून को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून कहते हैं, ठीक है। बस फर्क इतना है कि आपको थोड़ा सा दाएं और बाएं हाथ में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब ये दाएं हाथ का कानून और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी बरकी मकनातीसी अमाला और दाएं हाथ का कानून, इन दोनों के उसूल पर ही जो है वो जनरेटर, एसी जनरेटर काम करता है। जनरेट का मतलब होता है पैदा करने वाला, जनरेट करने वाला। तो यहां पर जनरेटर क्या करता है, बरकी राव पैदा करता है, इसलिए हम उसको जनरेटर कहते हैं। तो एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, तो अब उसको भी हम यहां पर समझ लेंगे। अब देखिए यहां पर शक्लों में, अब ये जो है हमारा जनरेटर है, इसको हम कहते हैं बरकी जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर,
ठीक है। अब ये इस तरह जैसे बरकी मोटर का कंस्ट्रक्शन था, उसका काम वो बनावट थी, साख थी, उसी तरह इसकी है। फर्क इतना है कि अगर आपको एग्जाम में शक्ल आ जाए तो आपको पहचानना चाहिए कि ये बरकी मोटर है या बरकी जनरेटर है, क्योंकि वहां पर नाम नहीं लिखाऊंगा, आपको शक्ल देखकर ही उसके सवाल के जवाब देना है। तो आपको याद रखना है कि इसमें दो स्प्लिट रिंग होती है जनरेटर में, उसमें एक ही स्प्लिट रिंग होगी। बस ये पहचान से आप समझ जाएंगे कि यहां पर जो है ये जनरेटर है या मोटर है। तो यहां पर दो स्प्लिट रिंग होती है, एक कार्बन ब्रश इस स्प्लिट से रुका होता है, एक कार्बन ब्रश इस स्प्लिट से जो है हल्का, जिसको कहते हैं हम स्प्लिट रिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ये दो हल्के हैं, ठीक है। और एक हल्के से जो है B1 एक कार्बन ब्रश और B2 दूसरा कार्बन ब्रश दूसरे हल्के से यहां पर जुड़ा होता है, और R1 जो है ये पहला हल्का है, R2 जो है वो दूसरा हल्का है। मैं इसका यहां पर बता दे रहा हूं। तो अतराफ तांबे का तार हल्का ABCT जाहिर किया गया, देखिए ये तांबे का तार है और ये जितनी ज्यादा यहां पर एक एक के ऊपर एक, अगर हम इसी तरह जैसे ये मुस्ततिल नुमा है, इसके ऊपर एक और मुस्ततिल नुमा, इसके ऊपर एक और मुस्ततिल नुमा, इस तरह अगर हम रखते जाए और पूरा एक कॉइल बनाए, लच्छा जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा मुस्ततिल नुमा एक के ऊपर एक रखे पर जाड़ा बना दिया जाए, तो जितना यहां पर ज्यादा कॉइल होगा उतनी ज्यादा बरकी रौ पैदा होगी, ठीक है। तो जाहिर किया गया जो मकनातीस के दो कुतबैन के दरमियान रखा हुआ है। अब ये एक एक कुतुब है सुमाली कुतुब, ये जुनूबी कुतुब। हल्के के दूसरे सिरे R1 R2 को दो मौसिल कड़ियों, ये जो बोला स्प्लिट रिंग, तो ये R1 और R2 ये दो कड़ियां हैं, कार्बन ब्रश के जरिए जोड़ते हैं। देखिए एक R1 पे एक कार्बन ब्रश B1 लगा हुआ है और R2 पे एक कार्बन ब्रश B2 लगा हुआ है। ये दोनों कड़ियां महेवर में मजबूती से लगी होती है, लेकिन कड़ी और महेवर के दरमियान महजूज गिलाब होता है। अब ये जो कड़ी और ये महेवर, ठीक है, ये जो ना ये महेवर दिख रहा आपको, ये और इसके दरमियान जो है एक कवर चढ़ा होता है, महवर के बैरूनी आले की मदद से घुमाया जाता है, जिसकी वजह से आप ये बैरूनी आला, मतलब आपने देखा होगा अगर आपकी बिल्डिंग में या कहीं पर भी जनरेटर जाता है तो एक तो रस्सी से बांधकर उसको खींचते हैं, तो वो जो रहता है ना वो आला रहता है ये इस कॉइल को घुमाने के लिए। जब ये घूमेगा, क्योंकि अभी हमने देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलते हैं, जब ये घूमता है तभी बरकी रौ पैदा होती है। तो अभी हम इसका काम देखेंगे आगे, जिसकी वजह से हल्का ABCD में घूमने लगता है। B1 और B2 साकिन ब्रश के सिरे गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं। अब देखिए इसका एक सिरा गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है और ये ब्रश का एक सिरा गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये हमको बताएगा कि यहां बरकी रौ पैदा हो रही है या नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बरकी दौर में बरकी रौ के बहाव की सिमत वाजे होती है। ये किस वजह से होती है, गैल्वेनोमीटर बताता है कि इसकी सिमत किस तरफ जो है वो जा रही है। तो ये हो गया इसका जो है कंस्ट्रक्शन, जिसको हम बोलते हैं साख, तो किस तरह है, तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, दो यहां पर हल्कों से कड़ियों से जुड़ी हुई है, जो R1 R2 है, B1 कार्बन ब्रश एक हल्के से, दूसरा दूसरी कड़ी से कार्बन ब्रश, और एक कार्बन ब्रश का B1 जो है वो और B2 जो है वो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। और ये दोनों, ये रेक्टेंगुलर लूप जो कॉइल है, ये जो है तांबे के तार का हल्का जिसको कह रहे हैं हम, ये मकनातीस के दोनों कुतबैन के दरमियान रखा हुआ है। इतना अगर आपने अपने जुमलों में लिखा तो आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि सवाल आता है साख्त और तरीकेकार बयान कीजिए, बल्कि AC जनरेटर के साख्त और तरीकेकार बयान कीजिए। तो आपको इस तरह यहां पर ये साख्त बयान करना है। अब हम देखेंगे यहां पर उसका तरीकेकार। देखिए अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि तरीकेकार आपको समझेगा तो आप उसको खुद लिख सकते हैं, तो मैं यहां पर जैसे जैसे ये लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको एनिमेशन बताऊंगा, वीडियो के जरिए बताऊंगा। महेवर घुमाने पर, अब ये महेवर आया कहां से, तो ये दिख रहा है, देखे ये महेवर कैसे घूमेगा, जब बाहर से मैं ये जो शॉफ्ट है, जो हैंडल, ये हैंडल जब घुमाऊंगा तो जब भी महेवर घूमेगा ऊपर जाता है और सीढ़ी नीचे आता है। चलिए मैं इसको घुमा के देखता हूं, देखिए दिख रहा है, ए भी ऊपर जाता है सीढ़ी नीचे आता है, आपने देखा होगा गौर से, देखिए ए भी ऊपर आया सीढ़ी नीचे गया, यानी हल्का ABCD की हरकत घड़ी की तरह सातदार सिमतों में होती है, जिस तरह घड़ी घूमती है उस तरह होती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून के मुताबिक AB और CD इन साखों पर बरकी हमाला पैदा होता है। ये जो दो साख आपको दिख रही है एकदम साफ साफ, इस पर और इस पर जो है बरकी हमाला पैदा होता है, ठीक है। अब हमाला पैदा होने से क्या हो रहा है, जो A से B की जानिब होता है, जैसे ये तीर का निशान बना देता हूं मैं A से B की जानिब, दूसरा मैं पेन ले लूं, हाँ ये A से B की जानिब इस तरफ जाता है और ये इस तरफ जाता है, ठीक है, सॉरी ये
हमाला पैदा होता है यहां पर, और सी से डी की जानिब, यानी ये इस तरफ उल्टा आता है, यानी यहां से हमाला पैदा हो रहा है, इस तरफ से इस तरफ आ रहा है सी डिग्री का जानिब, ऐसी सिमत में जाता है। ये आपको समझ गया होगा, जैसे लिखा है वैसे यहां पर मैं एनिमेशन बता रहा हूं। इस तरीके से ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरह बरकीराव बनने लगती है। अब बरकीराव किस तरह बनेगी, जिस तरफ हमाला पैदा होगा ये इस तरह बरकीराव बहेगी, ये बरकीराव की बहने की सिमत है, इस तरह बहेगी, इस तरह ये बरकीराव की सिमत है, ठीक है। शक्ल में तीर के निशान की सिमत, ये तीर का निशान जो मैंने बनाया ये, इसके आगे बरकी दौर में बरकीराव बी टू से गैल्वेनोमीटर में और वहां से बी वन की जानिब बहती है। अब जरा इसको देख लीजिए, ठीक है, ये इस तरह जो कॉइल बाहर से हैंडल घुमाए तो ये घूमने लगता है। अब क्या होगा, यहां से जब बरकीराव पैदा होगी, यहां से तो देखिए हमाला पैदा हुआ, ये जो इंडिकेशन दे रहा है। अब ये कहां है, ये दो स्लिप है, एक रिंग स्लिप रिंग जिसको बोलते हैं हम, है ना, ये और ये जिसको हम कड़िया बोल रहे हैं, और ये जो है ये कार्बन ब्रश है और ये कार्बन ब्रश है, ये दोनों जो वायर जो है ये गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए हैं। इसको हम कार्बन ब्रश को आर वन आर टू लेंगे, स्लिप वन स्लिप टू ये नहीं बोलेंगे हम इसको आर वन आर टू, क्योंकि हमारे शब्द उसमें आर वन आर टू था इसीलिए। तो अब ये क्या बताया है कि आगे बरकीराव में बरकीराव बी टू गैल्वेनोमीटर में वहां से बी वन की जानिब बहती है। देखो बी टू से बी वन की जानिब, ये बी टू है हमारा, ये बी टू है, और यहां से इस तरफ जो है बी वन की तरफ बहेंगी, मतलब बहने की सीम तो ये है, ठीक है। अब इसका वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर क्या वर्किंग करता है वही अब यहां पर देखेंगे, ठीक है, जिस तरह मैंने यहां पर आपको बताया है। अब ये जब घूमता है इस तरह, जब ये घूमता है तो यहां पर क्या होगा, बरकी मकनातीसी अमाला पैदा होगा, यानी वहां पर फिर बरकी रॉ पैदा होगी। बरकी रॉ पैदा होने की वजह से वो बरकी रॉ इस सिमत बहेगी और इससे बी टू बी वन की जानिब बहना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए ये एक कॉइल नहीं है, देखिए ये एक मुस्ततिली कॉइल है, उसके ऊपर एक जोड़ी है, फिर उसके ऊपर एक है, ऐसे चार पांच परत है ये मुस्ततिली कॉइल की। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा ये जो हल्का होगा उसको जितना ज्यादा आप जितने गुना बढ़ाओगे उतना गुना बरकीराव ज्यादा पैदा होगी। तो जो बड़ी जनरेटर बनता है उसमें बहुत ज्यादा जो है इस तरह के वायर से जो टांडे के वायर को उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के, जिसको वाइंडिंग आप कहते हैं पंखों में आपने देखा होगा, तो वो बरकी मोटर है, वो अलग चीज है। तो यहां पर जो है इस तरह तांबे के तार रखते हैं ताकि जो ये घूमे तो ज्यादा बरकीराव पैदा हो। तो बहुत ज्यादा फेरों वाला हल्का इस्तेमाल करें तो कई गुना बरकीराव बहने लगती है और बड़ी मिकदार में बरकीराव पैदा होगी, जैसा आपको पता है। अब देखिए इसका आधे चक्कर के बाद ए बी साक ये सी डी की जगह पर, जैसे मैंने यहां पर बताया कि आधे चक्कर के बाद देखिए अभी ए बी है, ये सी डी की जगह पर आ गया, है ना, जाती है, जिसकी वजह से अमाला बरकीराव अब यहां से जो अमाला बह रहा है, थोड़ा सा आगे बता दूं मैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाइए क्या है एक्चुअल में। हाँ अब देखिए ये एक चक्कर के बाद आधे चक्कर हो गया, यहां पर ये पूरा चक्कर नहीं अभी आधा चक्कर हो गया। आधे चक्कर के बाद क्या होता है कि यहां पर जो ये, हाँ अभी ए भी ऊपर है, अभी मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये आधा चक्कर हो गया। तो अब आधे चक्कर के बाद क्या होता है, सी डी साक ए बी की जगह पर आ जाती है। पहले ए बी यहां पर था इस तरफ यहां पर, अब ये सी डी उसकी जगह आ गया। तब बरकीराव जो किस तरफ आएंगी, डी सी बी ए इस तरफ आएंगी, पहले ए बी सी डी की तरफ से बह रही थी। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो है कार्बन ब्रश ने, ये क्यों हुआ क्योंकि यहां पर जो है कार्बन ब्रश की वजह से वो जो रिंग है उन्होंने अपनी जगह बदली है, तो यहां पर इसीलिए बरकीराव जो है वो इस सिमतों में पैदा हो रही, इंड्यूस हो रही है। यहां पर बरकीराव बहती है मतलब ये घूमने की वजह से ही यहां पर पैदा हो रही है। तो डी सी बी ए इस तरह गुजरेगी, साथ बी ए रिंग या हल्के के जरिए बी वन ब्रश से मुंसलिक रहता है, जो ये बी ए रिंग है ना ये बी वन से मुंसलिक रहता है, और साथ बी सी ब्रश बी टू से, ये बी टू से मुंसलिक रहता है जैसे अभी हमने देखे। इसलिए बाहर की बरकी दौर में बी वन से बी टू की जानिब, यानी पहले देखिए क्या था बरकी दौर, यहां देखिए बी टू से बी वन की जानिब बहती है, लेकिन जैसी डी सी ऊपर आता है तो अब ये बी वन से बी टू की जानिब, यानी पहले आधे चक्कर के मुखालिफ बहने लगती है। अब ये क्यों मुखालिफ बहने लगती है, क्योंकि हर आधे चक्कर के बाद वो जब ए बी जो है वो साख नीचे होती है डीसी ऊपर आती है, तो ये मुखालिफ सिमत हो गया, इसीलिए अब बी वन से बी टू बहेगी। पहले बी टू से बी वन बहती थी, अब बी वन से बी टू बहेगी, ठीक है। इसी को इसीलिए कहते हैं यहां पर कि ये जो है
मुतबादिल बरकी रहो यानी अल्टरनेट करंट जिसको कहते हैं एसी, इसीलिए इसको एसी जनरेटर कहते हैं। तो आप ये पूरा देख लीजिए, इसको देखकर मैं आपको समझाता हूं। अभी हम इसमें फ्लेमिंग का दाएं हाथ का कानून बताता हूं मैं इसमें कि ये किस तरह अमल करता है। इसमें दो स्लिप रिंग S1 S1 से जुड़ा होता है, चल रहा है, देखिए जैसे ये घूम रही है तो फिर ये चेंज होता है, यहां पर आता है, फिर यहां पर B1 B2 दो ब्रश के ऊपर जो है ये काम करता है। अब देखिए गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन बता रहा, मतलब यहां पर क्या हो गया, जब यहां पर गैलोमीटर से जोड़ा जाता है तो वो बरकी रो वहां पर पैदा हो रही है, इंड्यूस हो रही है। जनरेटर जो है बरकी रो को पैदा करता है और इलेक्ट्रिक मोटर को है वो अलग काम करता है, दोनों का वर्किंग अलग अलग है। ये अब देखेंगे आप यहां पर गौर करेंगे तो कभी सुई इधर जाती है कभी इधर जाती है, ये क्यों होता है, क्यों, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जब साक ए बी ऊपर रहेगी तो यह सुई इस तरफ जाएगी और साक सी डी जब ऊपर रहेगी तो यह सुई इस तरफ जाएगी। ये जो जाहिर करता है कि यहां पर जो करंट जो बरकीरो पैदा हो रही है वो मुतबादिल बरकीरो है, ये कभी पॉजिटिव दिखाती है कभी निगेटिव दिखाती है, इसी को हम कहते हैं एसी करंट, इसी को हम कहते हैं एसी अल्टरनेटिव करंट, है ना। ये क्यों, क्योंकि यहां पर अल्टरनेटिव करंट ही पैदा हो रही है, इसीलिए इस जनरेटर को भी हम कहते हैं एसी जनरेटर, क्योंकि यहां पर जो बरकी रो पैदा होती है वो पॉजिटिव निगेटिव कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, ये कंटिन्यूअस डीसी नहीं है, डायरेक्ट करंट नहीं है, ये फ्लक्चुएट होती है, ये एहतजाजी है, इसको एहतजाजी कहते हैं। अब एहतजाजी मतलब क्या, ये कभी इस तरफ ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, ये एहतजाजी है। अगर डायरेक्ट रहती तो वो इस तरह सीधा करंट जाती है, सीधा बरकी रो बहती है, लेकिन ये जो बरकी रो बह रही है वो इस तरह बह रही है, कभी नीचे आ रही है कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, इसको कहते हैं ये अल्टरनेटिव करंट, मतलब मुतबादिल बरकी रो। तो ये यहां पर मुतबादिल बरकी रो जो है वो पैदा हो रही है, आगे देखते हैं अल्टरनेटिव करंट, इसकी वजह से हमको समझ में आता है कि यहां पर जब सीडी डीसी सीडी ऊपर आ गया तो यहां पर कानून कैसे लगेगा, दाएं हाथ का कानून, वो अब हम यहां पर देखेंगे। ये आया देखिए दाएं हाथ का कानून, अब ये क्या जाहिर कर रहा है कि पहले साख ए बी जो ऊपर थी तो ये उंगली जो है ये बरकी मकनातीसी मैदान को जाहिर कर रहा है, तो ये करंट जो है इस सिमत को जाहिर कर रही है और ये जो है ये क्या करेगा, बरकी रो की बहाव को जाहिर करेगा, उसकी बहाव बहने की रफ्तार को जाहिर करेगा अंगोटा। तो यहां पर जो ये रूल यहां पर अप्लाई होता है सीधे हाथ का कानून। अब जैसे ये डीसी इधर आ गया तो देखिए हमारा जो है वो भी बदल गया, आप देखे होंगे हाथ भी बदल गया, हाथ सीधा ही है लेकिन आप यहां पर देखिए गौर करेंगे तो अब ये जो है मोशन ऑफ कंडक्टर, मतलब वो इस तरफ घूम रहा है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये मकनातीसी मैदान है और करंट अब इस तरफ से बहेगी जैसे मैंने पहले बताया, तो ये करंट की उंगली आप देखेंगे ये इस तरह जाएगी, बरकी रो इस तरफ बहेगी। तो देखिए ये जो स्पार्क हुआ ना, ये यहां से बरकी रो जो है वो बहना शुरू हुई। तो बच्चों ये है इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसको कहते हैं एसी जनरेटर, एसी इसलिए कहते हैं कि यहां पर जो बरकी रो पैदा होती है मुतबादिल होती है, वो प्लस में भी जाती है और माइनस में भी जाती है, ये एक साथ नहीं है, मुतबादिल होती है, इसी को कहते हैं मुतबादिल बरकी जनरेटर यानी एसी जनरेटर। तो बच्चों यहां पर ये पूरा सबक यहां पर आपका खत्म हो गया, ये लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा और उसको पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।